जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोग के? जी खैरियत से हैं जी। आज जी लैलतुल कदर की रात इंशाल्लाह 27वीं की रात है और लैलतुल कदर की रात होगी इंशाल्लाह। तो मैं जा रहा हूँ जी ड्यूटी पे, मेरी है आज ड्यूटी। सुबह मैं ड्यूटी करने के बाद निकल जाऊँगा मैं खानपुर, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी बेगम उधर ही हैं, किसवा अरवा उधर हैं। तो कल वहाँ पर इफ्तारी है, तो इफ्तारी करेंगे, सारी फैमिली इधर से आएगी, टोटली फैमिली, ये जो मेरे घर की फैमिली है सारी की सारी आएगी वहाँ पर। तो मैं ऑलरेडी वहाँ चला जाऊँगा, तो ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस व्लॉग का बचा हिस्सा यहाँ से फैमिली जाने का और वहाँ पे इफ्तारी का सारा हिस्सा फिर आपको दिखाएगा जैनी किंग ज़ोयान। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल ड्यूटी पे, तो मैं अपना जो है ना मेरा जो रोल है यहाँ पे मैं एंड करता हूँ और बाकी सारा व्लॉग आपको दिखाएगा जैनी। तो देखते रहे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आपका भाई नहा धो के रेडी शेडी हो चुका है, अभी सैंडल वगैरह नहीं पहने, अभी चप्पल पहनी हुई है, सैंडल वगैरह पहनते हैं। लेकिन उससे पहले यार इनको तैयार करो यार, चाचू वालों को आके यार वो तैयार नहीं हो रहे, लेकिन चाचू अपना हार है, हमेशा हो जाएंगे, जल्द तैयार हो जाएंगे। ये हमारा व्लॉगर, छोटा व्लॉगर। हाँ बोले व्लॉग बनाए, ऊंचा ऊंचा बोले, ऊंचा साइलेंट व्लॉग बनाता है ये तो, और इसको शर्म भी बहुत आती है। गाड़ी हमारी निकाली है, अब चलते हैं जी। रेडी रेडी, चाचू भी रेडी हो चुके हैं, अब्दुल्ला भी रेडी हो चुका है, गुड़िया भी रेडी हो चुकी है। गुड़िया हम लोग किधर जा रहे हैं बताओ जरा? नानो के घर। किसकी नानो के घर? किसवा के। उधर क्या करने जा रहे हैं? रोजा सारी करने? नहीं, अफ्तारी करने। अफ्तारी करने। हम लोग किधर जा रहे हैं? किसवा के नानो का घर, वहाँ पे अफ्तारी है। उन्होंने तुम्हारी की नहीं, तुम क्यों जा रहे हो? उन्होंने तुम्हें कहा? तुझे कहा? तुमने आने कहा है? तुमने कहा? हाँ कहा। निकल चुके हैं, हैं चार हैं, हवा भरवा रहे हैं। मम्मी 22 थी इसके अंदर। ये आ चुके हैं कैफे जावा स्वीट से, इधर से लेनी हुई मिठाई, क्योंकि किसी के घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और ये देखिए जी मिठाई ले रहे हैं, काफी ज्यादा मिठाई है यार। दूसरी इधर ब्रांच बनाई है सच्चा वाला, पहले का तो रश बहुत ज़्यादा, इधर भी बहुत ज़्यादा रश है भाई साहब। रोज़ा है लेकिन खाने का दिल बहुत कर रहा है भाई साहब, बहुत दिल कर रहा है। बर्फी ये रहा भाई साहब, अब बिल करवाते हैं, बिल करवाने के लिए उधर जाना पड़ता है, बास्केट में देते हैं डालकर। पहली बार है यूट्यूब पर और एग्जैक्ट आउट मिठाई ले रही है। अब चलते हैं जी खानपुर, खानपुर नहीं पहले रही मेरे चाचू इधर से, इनका व्लॉग मैंने बनाया, पता नहीं कैसा बना। अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों के जी? ये जैनी आ चुका है मेरे पास और व्लॉग जो है तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। अफ्तारी वीआईपी जो है वो आंटी अंकल के पास यहाँ पे खानपुर में
जारी है वो सारी है इंशाल्लाह। घंटा एक रह गया है, उसके बाद हम इफ्तारी करेंगे सारे मिलके बैठकर। तो जबरदस्त बेहतरीन रहा जी इफ्तारी का, आपके साथ शेयर कर रहे हैं जबरदस्त व्लॉग, देखते रहे मेरे मसरूफ, साथ रहिएगा। देखो जी, देखे मदर इधर चेक करते रेडी हो रही है। बाकी रह गया जी क्या नाम है, असर का टाइम हो गया, चलते हैं जी नमाज पढ़ने। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। यार हमारा दोस्त आया नहीं, अरम नहीं आया अभी। अरम लोग देखो आप क्यों नहीं आए। देखिए जनाब फुल टाइम इस वक्त रेडी और रेडी हैं जी, खाने बन रहे हैं वीआईपी किस्म के, जबरदस्त हो गया जी। जनाब इफ्तारी के लिए इस वक्त देगें जो है माशाल्लाह बिल्कुल रेडी चल रही हैं। एक जो है ना वो मटन कौरमे की देग है और मटन पुलाव की, और दूसरी जो है वो मटन कौरमे की देग है। वीआईपी खाना इस वक्त बन रहा है, ज़बरदस्त बेहतरीन आउटस्टैंडिंग। तो इस वक्त हम जो है ना वेट कर रहे हैं जी इफ्तारी का, इफ्तारी हो और तोनपुर भुंजा हो जाए। तो फैमिली सारी मेरी आपने देखा कि आ चुकी है जी सदकाबाद से, जैनी लोग सारे, अम्मी वाले सारे आ चुके हैं। तो मैं चुके रात मेरी ड्यूटी थी, तो ड्यूटी करके सुबह फिर मैं यहाँ आ गया था। तो मैं फिर आके सोया, थोड़ा रेस्ट किया, अब उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ी है और मैं अब शामिल हो जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे इफ्तारी में। तो देखते रहे जी बेले मसरूफ। जैनी ने आपको पूरा ब्लॉग दिखाया है, उम्मीद है कि उसने अच्छा बनाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो वेट करते हैं जी, इसके बाद इंशाल्लाह आपको इफ्तारी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहे बेले मसरूफ। ले जी इफ्तारी का इंतज़ाम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ऊपर जो हमारा इंतज़ाम है वो है जी लेडीज़ का और नीचे जेंट्स बैठेंगे। तो आपको जेंट्स का भी ये अभी चल रहा है सिस्टम और सामान आई जा रहा है जी नाज़रीन। कुछ बच्चे यहाँ भी बैठेंगे और इसके काम देख लें, ये टूटियाँ खोली जा रही है और उसके बाद पानी को ज़ाया करी जा रही है। किसवा टूटी बंद करो, चलो ठीक है अनस मेरा बेटा, आप कुछ भी नहीं हो, चलो नहीं नहीं बस ठीक है आप टूटी ना 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 बंद करो, बस अनस मेरा बेटा है बस। इसके ये एक ही धमकी जो है ना, इससे सारे काम करवा सकते हैं कि अनस को कहेंगे जी वो बेटा मेरा है और ये मेरी कुछ नहीं लगती, फिर जाके ये सारा कुछ सेट करती है। शाबाश खोल लो, अब अगर आपने टूटी खोली तो मैं अनस को अपना बेटा बना लूंगा, मैं बता रहा हूँ ठीक है ओके। चलो शाबाश, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, रोजे का टाइम हो गया इफ्तारी का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं जी काम यार इस्मान साहब जबरदस्त फैज जब अच्छा काम कर रहे हो यार, वेल डन यार वेल डन। बर्फ बर्फ है हर तरफ यहाँ पे, लाइट का इंतजाम चल रहा है जी। आपको खानपुर का भी मैं दुरानी चौक का नज़ारा करा दूँ, हर दफ़ा कराता हूँ, इस दफ़ा भी मैं करा दूँ। जबरदस्त माहौल लगता है जी मुझे, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग। ये देखे नाजरीन क्या बेहतरीन रानी चौक, आउटस्टैंडिंग रश है, अफ्तारी का टाइम हो रहा है और ज़बरदस्त इस वक्त जारी है जी तुरानी चौक का नज़ारा। अशद ऑप्टिकल मेरे अंकल की शॉप, और इस वक्त उस्मान बेकर्स पे इस वक्त समोसे बेहतरीन बन रहे हैं जी, लोग धड़ा धड़ खरीद रहे हैं जी, बेहतरीन समोसे होते हैं जी इनके। मैं ज़रा कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ जी, मेल साइड पे आके मैंने बैठना है जी, और इंतजाम तकरीबन मुकम्मल है, अफ्तारी का इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नहीं जी मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जी अफ्तारी स्टार्ट होने लगी है। 5 मिनट बैठे हैं जी, 5 मिनट के बाद अफ्तारी होगी। उस्मान सलाम कर रहे हैं जी आप सबको। लो जी देखी शिके रस्ते में ही रखी हुई है, ये जी मर्दों की अफ्तारी है, बस मैं पहुँच लगा हूँ, बैठने ही लगा हूँ। ये लिफ्ट लगी हुई है और अम्मी जान रहे हैं हो चुके, आ नहीं सकती हैं, ये वाली आएगी तो ये नीचे जाएगी पहले, क्योंकि आ रही है। और नीचे ले आओ, आए बस बस ठीक है, थोड़ी सी और
यहाँ से मेरी अम्मी जान जाएंगी जी सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाएंगी, ऊपर ऊपर जाने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाएंगी, अम्मी जान जाने लगी और साथ में जो है ना वो ये भी बैठ गया। चलो जी स्टार्ट करते हैं भाई, ऊपर ले जाएं, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है नाजी अम्मी जान की थोड़ी सी कमर का मसला है, इस वजह से लिफ्ट के जरिए ऊपर फीमेल वाले पोर्शन में जा रहे हैं जी। बाय 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 अब्दुल्ला, बाय बाय अब्दुल्ला, ओके टेक केयर, जहाज जा रहे हैं भाई आप लोगों का, अल्लाह हाफिज। ये सारा सीन इसलिए नाज़रीन किया कि अम्मी की कमर में पेन है, आपको पता है कि अम्मी जान की कमर का इशू है, इस वजह से लिफ्ट के जरिए उनको फीमेल वाले पोर्शन में पहुंचाया है। चलिए दो मिनट रह गए जी, दो मिनट के बाद उतारी होगी जी। नाज़रीन अफ्तारी तो हो गई है लेकिन अभी खाना बाकी है, खाना खाना है, तारी लाइट हमने करवाई थी खुद ही ताकि खाना तसली से खाया जा सके। तो अब हम खाना खाएंगे, जरा नमाज पढ़ ली है, नमाज भी इधर ही अदा की है, तो इसके बाद इंशाल्लाह खाने की तैयारी है। खाना लग गया जी, पुलाव शाव लग गया है, सालन शालन भी लग गया है और बेहतरीन तरीके से जारी और सारी है खाना, अब खाने का इंतजाम शुरू है जी। खाना रेडी है जी, खाना खा लें उसके बाद गपशप करते हैं जी। थैंक यू सो मच, देखने वाले खुश रहो। देखो जी मैंने अपने पुलाव मतलब चावल डाले हैं और चाचू आ रहे हैं, देखो चाचू खा लेने, चाचू इतने खा लोगे, इतने चावल खा लोगे यार, क्यों नहीं खाओगे, भूख लगी सारा दिन अंदर होता था यार, अजीब आदमी है तू यार। और कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है, खाना शाना खा लिया है जी और सारे लोग तकरीबन चले गए हैं, मेहमान हम लोग सिर्फ रह गए हैं जी, हमारी फैमिली रह गई है तो हम तकरीबन रेडी हैं जाने के लिए। तो बहुत जबरदस्त मजा आया, बेहतरीन चस आ गई है जी, सैरी करके जाना है। नहीं तो जबरदस्त मजा आ गया है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बड़ा जबरदस्त व्लॉग रहा, थैंक यू सो मच, देखते रहे मिले मसरूफ, अल्लाह हाफिज।